हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। वो सभी अपना कॉपी लाइव दे सकते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उस एग्ज़ाम में किस तरह से उनका कॉपी जाँच किया गया है, वो सारा कॉपी वो ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा, ये कब से ऐसा लाया जा रहा है, ये सारी बातें को आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये रहा जो हिंदुस्तान पेपर का 24 अप्रैल पटना संस्करण में पब्लिश कर बताया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा, पेज नंबर 6 में बताया जा रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन अब अपनी कॉपी देख सकेंगे छात्र। तो दोस्तों, देख सकते हैं सभी छात्र अब अपना जो भी एग्ज़ाम दिए हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, वो एग्ज़ाम का कॉपी ऑनलाइन देख सकते हैं। परीक्षकों के दिए अंकों का मूल्यांकन कर सकेंगे छात्र। और दोस्तों, देख सकते हैं टीचर जो आपको मूल्यांकन किए हैं, मतलब कि आपको जो नंबर दिया है, वो नंबर कितना नंबर दिया हुआ, किस क्वेश्चन में कितना नंबर दिया गया, कितना स्टेप में कितना नंबर दिया गया, ये सारा बातें आप खुद ही अपना जाँच कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड सारी बातें उतरिए बताता हूँ। तो नीचे आते हैं दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, जहाँ पर देख सकते हैं दो तीन हेडिंग बताई जा रहा है, जहाँ देख लेते हैं सीबीएसई में बताई जा रहा है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को दिया गया विकल्प है, रिजल्ट के हफ्ते भर तक कॉपी देखने के लिए लिंक जारी होगा। संयम भारद्वाज जो है परीक्षक नियंत्रक है सीबीएसई के हैं, उनको द्वारा बताया जा रहा है कि छात्रों की शिकायत कम अंक देने की रहती है, ऐसे में छात्र अपनी कॉपी खुद देख पाएंगे, इससे उन्हें अपना आकलन भी करने का भी मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं जो जितने भी छात्रा हैं, उन सभी छात्र छात्राएं का ये होता है कि उनका जो कॉपी जांच किया जाता है उसमें नंबर कम दिया जाता है। इसी कारण दोस्तों, आप देख सकते हैं अब खुद ही जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो सभी आप अपना कॉपी खुद देख सकते हैं। अब अपने अनुसार वो मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से एग्जाम दिया था और कौन सा क्वेश्चन में कितना कितना नंबर दिया गया, वो खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं सभी बात को डिटेल से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस बार परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड द्वारा उन्हें एक लिंक दिया जाएगा जिसमें वो विषयवार अपनी कॉपी के अंकों को देख पाएंगे। यह प्रक्रिया बोर्ड रिजल्ट जारी होने के दूसरे दिन से ही चलेगी। इसके लिए छात्रों को प्रति विषय ₹500 शुल्क के तौर पर देने होंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं सीबीएसई जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अगले दिन ही आपको एक लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा जहां पर आपको अपना 10वीं और 12वीं यानी जो लोग 10वीं भी एग्जाम लेंगे, जो लोग इंटर मैट्रिक एग्जाम दिए हैं और जो लोग इंटर एग्जाम दिए हैं, वो लोग खुद अपना कॉपी जाँच कर सकते हैं कि मेरा जो नंबर दिया गया है वो नंबर कौन सा क्वेश्चन में कितने मार्जिन के अनुसार दिया गया, वो खुद जाँच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, देख सकते हैं ये प्रति कॉपी प्रत्येक सब्जेक्ट का आपसे ₹500 चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही जिसका रिजल्ट आने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीएसई का मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाली है मई में। तो दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आएगी उसके बाद जो लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, उस लिंक के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको लॉग इन करना होगा अपना मूल्यांकन करने के लिए, अपना खुद का कॉपी देखने के लिए। 10th और इंटरमीडिएट का दोनों का मैं अपने तरीके से आपको लाइव बता दूंगा कि दोस्तों इस तरह से आपको देखना होगा। अगर वो वीडियो पर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हाँ दोस्तों, इसी बीच आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कितना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना कराता हूँ। और मैं बस आपसे एक ही चीज़ का डिमांड करता हूँ, वो लाइक। आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। अब आते हैं दोस्तों आगे, जान दे सकते हैं सीबीएसई द्वारा पहली बार यह सुविधा बोर्ड परीक्षा को दिया जा रहा है। और दोस्तों, देख सकते हैं भारत में पहली बार सीबीएसई की तरफ से ये जो सुविधा है प्राप्त किया जा रहा है। इससे छात्रों को उत्तर पुस्तिका में मिलने वाले अंकों की सही जानकारी मिलेगी। बोर्ड की मानने तो रिजल्ट जारी होने के अगले दिन बोर्ड वेबसाइट पर लिंक दिए जाएंगे जिसके माध्यम से छात्र विषयवार परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों की जांच कर सकेंगे। यह सुविधा लिंक खुलने के 5 दिन तक ही मिलेगा। और दोस्तों, देख सकते हैं ये जो आपका सुविधा है, ये सुविधा लिंक जब एक्टिवेट किया जाएगा उस लिंक के 5 दिन तक ही मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि टोटल रिजल्ट आने के बाद 6 दिन तक आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को आवेदन करना होगा। ले सकते हैं कॉपी की फोटोकॉपी। पिछले साल की तरह इस बार भी परीक्षार्थी चाहे तो विषयवार उत्तर पुस्तिका की कॉपी ले सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के 17 दिन बाद छात्र को उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी मिलेगी।
फोटोकॉपी के लिए 10वीं के छात्र को प्रति विषय 700 रुपया और 12वीं के छात्र के लिए प्रति विषय 500 रुपया जमा करना होगा। इसके अलावा इस बार भी छात्र को पुनः मूल्यांकन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रति विषय 100 रुपया चुकाने होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने होंगे या इसी तरह का अपडेट भी देना होगा। तब तक इतना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी।